नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबरेवाल आकाश। एक मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के कांग्रेस के लोकसभा के सदस्य जफर अली नकवी जी। नकवी जी दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार में 4 बार महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री भी रह चुके हैं। नकवी साहब, आपका स्वागत है हमारी खास पड़ताल एक मुलाकात में। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत के बारे में बताइए, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। आप हमारे हिसाब से स्पोर्ट्स के क्षेत्र से आते रहे हैं, फिर राजनीति की तरफ कैसे आना हुआ? मैं यूनिवर्सिटी में चैंपियन रहा एथलेटिक्स का, डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में, ऑल इंडिया में गया और मैंने कई मेडल हासिल किए। संजय गांधी से मेरी मुलाकात हो गई और उन्होंने मुलाकात के बीच में मुझे प्रेरित किया कि मैं राजनीति में आऊँ, और मैं राजनीति में आ गया और नगर पालिका का पहला इलेक्शन 72 में हुआ तो मुझे सब ने मिलकर खड़ा कर दिया और मैं हाईएस्ट वोट से जीत कर वहाँ पर वाइस चेयरमैन डिप्टी मेयर खीरी 1972 में हो गया। बस तभी से मेरी शुरुआत हो गई और मुझे उन्होंने यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया और वहीं से मेरी पॉलिटिकल शुरुआत हो गई। इसके बाद कैसे गाड़ी आगे बढ़ी? फिर शुरुआत हो गई और उसके बाद मीटिंगों में, फंक्शंस में आना जाना लगा रहा और सारे संगठन में सारे काम, सारे चीज़ें, नगर पालिका का नलक, सड़क, नाली, खरंजा, बिजली, पानी जो होता है उसका काम मैंने बहुत जोर में शुरू किया। 74 में स्टेट यूथ कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट हो गया और 77 में जब कांग्रेस पूरी तरीके से हार गई थी तो मुझे भी संजय गांधी ने पहला टिकट दिया और असेंबली के इलेक्शन मैंने 77 से शुरू किया और मेरी राजनीतिक शुरुआत हो गई। तो 77 में लगे, फिर 80 में इलेक्शन लड़े, फिर 84 में लड़े, फिर 89 में लड़े, फिर 91 में लड़े, तो ये सारे इलेक्शन मेरे होते रहे। विधायक के चुनाव लड़े? जी, विधायक के, और मैं करीब 3 टर्म विधायक रहा और मैं 3-4 बार मिनिस्टर बना अंडर द गवर्नमेंट ऑफ वीपी सिंह, एनडी तिवारी, वीर बहादुर जी, तो और मैंने बहुत काम किया उसमें। नकवी साहब, इंदिरा गांधी जी की गिनती हमारे देश के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले प्रधानमंत्रियों के रूप में होती है। आप उनके साथ जुड़े रहे, उनके काम करने के तरीके के बारे में कुछ हमें बताइए। जी, इंदिरा गांधी में बहुत ही खूबियाँ थीं। एक तो वो सही वक्त पे सही फैसला लेती थी, जो आज फैसले लोग नहीं ले पाते हैं, और उनमें हिम्मत थी, हौसला था, और हिम्मत हौसले के साथ में वो एक्शन भी लेती थी, तो उसकी वजह से उनकी बहुत ही एडमिनिस्ट्रेशन उनका बहुत ही वेरी स्टिक रहा और बहुत कामयाब एडमिनिस्ट्रेशन वो रहीं, और उनमें माइनॉरिटीज़ के लिए, अकलियतों के लिए बहुत, और आदिवासियों के लिए बड़ा उनमें प्यार मोहब्बत थी। उन्हें बहुत अहम काम किए और गरीबों को, गरीबी हटाने के लिए उन्होंने जो काम किया वो पूरा भारत जानता है। गरीबों को मौका देने के लिए पीड़ित पर्सों को उन्होंने ख़त्म किया, राजाओं को ख़त्म किया, और उन्होंने गरीबों के लिए एक बहुत अहम काम करके उनके फला बहबूदी का काम बहुत ज़रूरी किया। हमारी जानकारी के हिसाब से 1981 में यूपी के मुरादाबाद में एक बार काफ़ी बड़े पैमाने पर दंगे हुए, इंदिरा जी ने आपको वहाँ पर भेजा, आपको भेजने की वजह क्या थी? ये ईद के मौके के ऊपर राइट हो गया था और ईदगाह में कम से कम 200 लोग मारे गए थे, तो पूरा भारत चिंतित था, इंदिरा गांधी भी चिंतित थी। 2-4 लोगों ने दिल्ली से लेके और यूपी के मिस्टरों ने बहुत काम किया, लेकिन राइट रुका नहीं। पता नहीं क्यों उनकी नज़र हम पे पड़ी, उन्होंने मुझे बुलाया और बुलाने के बाद में मुझसे कहा कि तुम इस राइट को ठीक कर दोगे तो मैं इनाम दूंगी। तो मैंने बहुत कोशिश करी, मैं 3-4-5-6 महीने में वहाँ रहा और बहुत कोशिश करी, राइट रुका। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम नमाज पढ़वा दो, फिर मैंने रात में ईद की नमाज सुबह पढ़वाई, फिर उसके बाद राइट रुक गया, नमाज हो गई। जब उनसे मिलने आया तो इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने सारे फूल जो रखे थे सामने मुझे पहना दिए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक प्रधान मिनिस्टर मुझे हार पहना रहा है। और उन्होंने फिर मौजूदा चीफ मिनिस्टर को फ़ोन किया कि इस लड़के को होम मिनिस्टर बनाओ, और मैं यूपी का होम मिनिस्टर बना। आप उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के लोकसभा के सदस्य हैं, विधानसभा का चुनाव हुआ अभी उत्तर प्रदेश में, बुरी तरह कांग्रेस पराजित हुई, क्या कारण रहा? देखिए, बहुत राहुल जी ने बहुत मेहनत करी, हमारी पॉलिसी प्रोग्राम मैनिफेस्टो भी बहुत अच्छे थे, लेकिन मायावती सरकार को हटाने के लिए एक विकल्प चाहिए था। हमारी सरकार बढ़ रही थी,
वोट बढ़ रहे थे, अंडरकरंट था, लेकिन कुछ हमारे सीनियर लीडरों ने और मिस्ट्रों ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे दिए जिससे ये जाहिर होता था कि हमारी सरकार नहीं बन रही, राजनीतिक शासन लगने जा रहा है। दूसरी बात, मुसलमानों के फेवर में ज़्यादा बोलने से इलेक्शन थोड़ा कमजल हो गया, तो बैकवर्ड भी चले गए और मुसलमान भी चले गए। तो इस तरीके से कुछ टिकट का बंटवारा भी बहुत गलत हुआ, दूसरी पार्टियों का जो कूड़ा था वो हमने समेट लिया और नतीजा ये हुआ कि वो किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ये सब दूसरी पार्टी के कूड़ों का क्या मतलब निकाला जाए, किसकी तरफ आप इशारा करना चाहते हैं? मुख्तलिफ पार्टियाँ, सभी पार्टियों से निकाले हुए जो लोग थे, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी है, चाहे बहुजन पार्टी हो, उन सबको जो निगलेक्ट किया था उनको ले लिया गया और लेने के बाद उनको टिकट दिए गए। समाज उनको पहले तिरस्कृत कर चुका था, नतीजा उसका ये हुआ कि समाज ने उनको तिरस्कृत कर दिया और जो हमें एक हमें सही जीत मिलना चाहिए थी नहीं मिल पाई। जनता में ये महसूस हुआ कि हम मायावती को हटाने के लिए विकल्प नहीं दे पा रहे हैं, तो विकल्प की शक्ल में समाजवादी आई और वो जीत गई और हम रह गए। भाई इतनी सी बात हमारे न होने की है। आपको लगता है कि इस कूड़ा करकट की वजह से कांग्रेस की हार हुई? बिल्कुल यही सही है, और मेहनत में कमी नहीं थी, हमारी मैनिफेस्टो में कमी नहीं थी। और एक अच्छी बात इसमें ये देखिए कि पूरे चुनाव में राहुल के खिलाफ या सोनिया गांधी के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ कोई अपशब्द या माइनस नहीं था। आपने अपनी बात पार्टी हाईकमान को अवगत कराई? जी, मैंने अवगत कराई और उस गलतियों को उन्होंने महसूस किया, तस्लीम किया और कहा भी है कि हाँ ऐसा हुआ है, अब उस पर पार्टी फैसला लेगी कि आगे क्या एक्शन लेगा। आप जिम्मेदार नेता हैं कांग्रेस के, लंबे समय से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, आपको अब तक के अनुभव के आधार पर क्या या नहीं लगता कि 2012 की जो गलतियां हुई हैं विधानसभा चुनाव में यूपी के, वे 2014 के आम चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में दोहराई जाएंगे? मैं समझता हूँ कि बड़ी पार्टी है और अपनी स्क्रीनिंग कमेटी मीटिंग में और अपनी वर्किंग कमेटी में बैठ कर इसका फैसला होगा। वो गलतियाँ दोबारा नहीं होंगी क्योंकि दोबारा 2014 का चुनाव है, और अगर गलतियाँ फिर भी वैसी होंगी तो नतीजा वही होगा जो असेंबली में हुआ है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि गलतियों को तस्लीम करते हुए आइंदा ऐसी गलती पार्टी नहीं करेगी। एक और बड़ा सवाल, लगातार दावे किए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों का वोट इस बार कांग्रेस को ही मिलेगा, जब 6 मार्च को नतीजा आया तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा और बड़े पैमाने पर वोट समाजवादी पार्टी को मिले, क्या कारण रहे कि अल्पसंख्यक वोट कांग्रेस को नहीं मिले? देखिए, अल्पसंख्यक का कोई लीडर नहीं था और किसी लीडर को डेवलप भी नहीं किया गया, और जो कांग्रेस की पॉलिसी प्रोग्राम थे अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने बहुत किया। कितने नेता चाहते हैं, राशिद मसूद आपके पास थे, सलमान खुर्शीद आपके पास थे, आप खुद जो है अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, और कितने नेता चाहते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि नेता दो किस्म के होते हैं, एक तो होता है कि आप उनको ऑल इंडिया बना दीजिए, ऑल इंडिया हो गए, जिनकी हैसियत मोहल्ले में नहीं है, और एक नेता वो होते हैं जिनकी हैसियत ऑल इंडिया स्टेट लेवल की है, उनको आपने मोहल्ले के नहीं रखा। तो जिनको रखना चाहिए था, जो नुमाइंदे अवाम के मुस्लिम के थे, उनकी कमी रही और उनको एक्सेप्ट कौन से नहीं किया, जो हम बहुत साफ कहना चाहते हैं। और ऐसे नेताओं को रखा गया जिनकी हैसियत मोहल्ले में नहीं थी, वो ऑल इंडिया बन के पब्लिसिटी कर रहे थे, जिनकी छवि अवाम में बेहतर नहीं थी, ये बेसिक गलती हुई। और नतीजा ये हुआ कि जो कांग्रेस की पॉलिसी प्रोग्राम मुसलमानों के बीच में पहुंचना चाहिए थे वो नहीं पहुंचे, उन्हें नहीं मालूम हो सका कि हमारे लिए क्या किया गया, कहा गया। और जब हमने इस बात को कहा तो उस पर ये कहा गया कि सब ऑनलाइन कंप्यूटर पे दे दिया गया है। आज के वक्त में ऑनलाइन कंप्यूटर विधायक MP भी नहीं जानते हैं, डीसी परसेंट जानते हैं, तो वो गलतियाँ बेशक हुई हैं। नतीजा ये कि कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि उनको अपना मुस्लिम लीडर कैसा क्या करना होगा अगर 2014 के चुनाव में उनको इलेक्शन लड़ना है। नकवी साहब, केंद्रीय योजनाएं क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में ठीक तरीके से लागू नहीं हो पाई, या फिर आप लोगों के द्वारा उसका ठीक तरीके से प्रचार और प्रसार नहीं किया गया? देखिए, केंद्रीय योजनाएं जो होती हैं उनका कार्यान्वयन स्टेट गवर्नमेंट करती है, ये हमारे कानून में बना हुआ है। हमने भरपूर कोशिश करी और सारे पैसे दिए, सारी योजनाएँ दी स्टेट गवर्नमेंट को दी, स्टेट गवर्नमेंट ने उसका बेजा इस्तेमाल किया। अब जनता से बात करो तो कहते हैं हमारे यहाँ ना तो नरेगा का काम हुआ है, ना पानी का हुआ है, ना बाढ़ का हुआ है, ना नल का हुआ है, तो ना सड़क का हुआ है। तो सारा पैसा प्रदेश सरकार खा गई और नतीजा ये हुआ कि उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस गवर्नमेंट पर पड़ी
और वो काम नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। लेकिन बड़ा सवाल यह है, आप लोग आरोप तो लगाते हैं कि राज्य सरकार ने कोई कार्य नहीं किया, केंद्रीय एजेंसियां आपके पास है, क्यों नहीं प्रभावी तंत्र आप लोग बनाते या फिर बना हुआ है तो उसका इम्प्लीमेंट कराते, जांच कराते हैं, उसको रुकवाते हैं? देखिए, उसकी मीटिंग तो हुई है, कई बार उसकी मीटिंग हुई है और मीटिंग के बाद में उनको डायरेक्शन भी दिया हुआ है, मुख्य सचिव बुलाए गए, मीटिंग हुई, लेकिन हो कुछ नहीं पाया। तो जो चीज़ भारत सरकार की योजनाओं का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन होना चाहिए प्रदेश में, वो नहीं हो पाया। चलिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, बार बार यह कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों को हर चुनाव में एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आपको क्या लगता है कि वाकई में आज की तारीख में 2012 में अल्पसंख्यकों की समस्या है क्या? देखिए, सबसे बड़ी समस्या उसकी गरीबी है और इस वक्त हालत अल्पसंख्यकों की दलित वर्ग से बदतर हो चुकी है। देखिए, मुसलमानों में इल्म की बहुत कमी है और हमारे बच्चों में भी इल्म नहीं है, तो जब तक इल्म नहीं होगा तब तो उनको अच्छे बुरे की पहचान नहीं होगी और वो पढ़ लिख कर एक अच्छा अच्छी जगह हासिल नहीं कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर इल्म नहीं होगा तो वो मजदूरी करेंगे, कारीगरी करेंगे और मिस्त्री बनेंगे। इसलिए मेरी ये उनसे इल्तिजा भी है, दरख्वास्त भी है कि सभी बच्चे और सभी बड़े इल्म सीखें और इल्म सीखने के बाद में अपने पैरों पर खड़े होकर समाज में अपना अच्छा स्थान पैदा करें। अर्जुन सिंह जी जब मानव संसाधन विकास मंत्री थे भारत सरकार के, तो उन्होंने अल्पसंख्यक शिक्षा के ऊपर गठित एक कमेटी का आपको चेयरमैन बनाया था, उस दौरान आपने क्या कुछ किया? देखिए, मैंने 22 सूबों का दौरा किया और उनके उत्थान के लिए मैंने बहुत काम किया। 10,000 उर्दू टीचर की अपॉइंटमेंट की रिकमेंडेशन की जो किए गए, उसके हिसाब से मदरसे को उनको कंप्यूटर, उनको आईटी, उनको टेक्नोलॉजी की काम सिखाने के लिए उनको फंड मुहैया कराया। उसी के साथ साथ में उर्दू सेल खोले गए यूजीसी में, यूनिवर्सिटी में और एजुकेशन के डिपार्टमेंट में उर्दू सेल खोल कर उसमें उर्दू में काम हुआ। और इसी के साथ साथ में सारे स्टूडेंट की एडमिशन और मदरसों की और जो एक माइनॉरिटी एजुकेशन फॉर कमीशन खोला गया, जिससे तमाम स्कूल कॉलेज को मान्यता प्राप्त की गई, एक बहुत बड़ा काम पूरे प्रदेश हिंदुस्तान में हमने कराया है, जिसकी सराहना भी सरकार ने करी। आप दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी रहे, यहाँ क्या कुछ किया आपने? देखिए, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के रूप में मैंने यहाँ के ऊपर सारे स्कूलों को देखा, उनकी डिमांड देखे। यहाँ पे बांग्लादेश में लोगों को परेशान किया जा रहा था, जो बांग्लादेशी कहलाते थे, उनके राशन कार्ड बनवाए, उनको मान्यता प्राप्त करी, जो दिक्कतें माइनॉरिटी की आ रही थीं उनको ठीक कराया। गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर, इन तमाम लोगों को लेके मैंने एक गोष्ठी भी करी। राष्ट्रीय एकता को भी मैंने सम्मान उनको दिलवाया और शिक्षा के प्रसार का काम किया। जो भी शिकायतें अल्पसंख्यकों की पुलिस की उत्पीड़न थी उनको दूर किया। और मैं 3 साल रहकर मैंने दिल्ली में एक बड़ा काम किया जिसको मुझे सराहना मिली। नकवी जी, आप यूपी के लखीमपुर खीरी से लोकसभा के सदस्य हैं, अपने संसदीय क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, मैंने पिछले 3 साल लगभग हो रहे हैं और लोगों ने कहा है आज़ादी के बाद जितना काम मैंने किया है उतना काम लखीमपुर में कभी हुआ नहीं। आज़ादी के बाद पहले था कि बड़ी लाइन बने, मैंने पूरी कोशिश करके प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की और 10 अरब रुपये की बड़ी लाइन की बजट में घोषणा करवाई, जिसका शिलान्यास होने जा रहा है। एक बहुत बड़ा काम मैंने बड़ी लाइन का करवाया। दूसरा, मैंने एक ओवर ब्रिज जो 50 करोड़ रुपए का था, जिसकी डिमांड 40 साल से थी, उसको मैंने करवाया, वो भी काम शुरू हो गया है और ब्रिज बन रहा है। तीसरा काम, हमारे बाढ़ बहुत आती है तो मैंने 1 अरब रुपया बाढ़ का लिया, वो बाढ़ के सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर ने उस पर मीटिंग करवाई और वो बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। इसके साथ साथ मैंने एक 10 करोड़ रुपए का सेंट्रल स्कूल लिया जो कि खुल गया है और वहाँ पढ़ाई हो रही है। फिर एक नवोदय स्कूल 10 करोड़ रुपए के लिया, वो भी खुल गया है, उसमें पढ़ाई भी हो रही है। इसके बाद बॉर्डर एरिया में सड़क नहीं थी, ये बहुत बड़ा काम था। 700 करोड़ रुपया मैंने सेंक्शन कराया और सड़क का सेंक्शन हो गया, टेंडर मांगे गए हैं, उसका काम होने जा रहा है। और अल्पसंख्यक जिला घोषित करने के लिए मैंने पूरा संघर्ष किया, अल्पसंख्यक जिला घोषित हो गया, 62 करोड़ रुपए उसमें आ गए, उसकी कार्रवाई पूरी हो रही है। तो 3 साल में मैंने इतने बड़े काम किए हैं, आगे भी योजनाएं हैं जो आज तक कभी नहीं हुए। मैं अपने मन से बहुत खुश हूं, जनता भी मेरी बहुत प्रसन्न है, आगे भी बहुत कार्रवाई होना है।
नकवी साहब, लखीमपुर खीरी में और ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो अगले 2 साल में, जो आपका कार्यकाल अब तक का बचा है, क्या कुछ योजना है आपकी? देखिए, एग्रीकल्चर से का एक बहुत बड़ा ज़िला है, तो मैंने डिमांड की है कि एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वहाँ होना चाहिए जिसकी ज़मीन मुहैया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ 2 साल में मेरी एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में बने। फिर छोटी काशी के रूप में गोला गोकर्णनाथ का एक मंदिर है, तो उसको पर्यटन केंद्र बड़े स्तर पर बनाया जाए, सारे भारत के लोग वहाँ दर्शन करने आते हैं, ये भी मेरी योजना है। और इसके साथ साथ में तीसरी योजना मेरी ये है कि वहाँ एक इंडस्ट्री लगे जिससे कि उद्योग के अंदर एक बड़े पैमाने के ऊपर काम हो सके और लोगों को उसको रोज़गार मिल सके। और दुधवानेश्वर पार्क को फिर से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक बड़ा स्थान मिल सके ताकि वहाँ टाइगर प्रोजेक्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट हो सके। फिलहाल मेरे ये एक प्लान है, मुझे उम्मीद है मैं 2 साल में इन प्लान को ज़रूर पूरा कर लूँगा। आप इंदिरा जी के समय से राजनीति में सक्रिय हैं। आज एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, राजनीतिज्ञों की साख पर सवाल उठाया जाता है भ्रष्टाचार को लेकर के। क्या कभी आपको यह सवाल पीड़ादायक लगता है? कैसे जो है भ्रष्टाचार के मामले पर हमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि राजनीतिज्ञों पर जो एक बड़ा दाग लग रहा है, हमारी युवा पीढ़ी जो है राजनीतिज्ञों के प्रति अच्छी सोच नहीं रखती, इसको कैसे बदला जाए? देखिए, ऐसा है कि शुरुआत जो होती है वो ABCD से होती है। हमारी सभी राजनीतिक पार्टियां जब क्रिमिनल और कमनल लोगों को टिकट देंगी तो फिर वहीं से शुरुआत हो जाती है। इसकी जिम्मेदारी सभी पार्टियों पे है कि वह ऐसे समाज के ख़राब लोगों को जिनकी छवि अच्छी न हो उन्हें टिकट न दें, चाहे भले सीट जीतने वाली हो। तो अगर जब टिकट नहीं देंगे तो असेंबली लोकसभा में ऐसे लोग नहीं पहुंचेंगे, उनको अपने ऊपर बंदिश करना चाहिए। ये लीडरों की जिम्मेदारी है। और जब समाज में कुछ होता है, क्रूतियाँ बुराइयाँ या क्रिमिनल किस्म के लोग लोकसभा असेंबली में आते हैं, इसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं बल्कि उन लीडरों की है जिन्होंने टिकट देकर उनको भेजा है। लेकिन चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल दावे तो करते हैं कि हम अपराधी किस्म के लोगों को टिकट नहीं देंगे, लेकिन जब टिकट बढ़ जाते हैं तो देखने में आता है बड़े पैमाने पर अपराधियों को टिकट दिए गए और बहाना यह बनाया जाता है कि इनके ऊपर तो सिर्फ मुकदमे दर्ज हैं, अभी आरोप साबित नहीं हुआ। देखिए, कुर्सी को लेने के लिए, कुर्सी को बचाने के लिए पॉलिटिकल लोग ऐसी बातें करते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। जिन पर मुकदमे एक का दर्ज हो तो मालूम हो जाता है कि किसी ने ऐसी गलती से किया है। जिन पर 20, 22, 25, 30 मुकदमे हो तो कहीं ना कहीं वो क्रिमिनल ज़रूर होता है। तो ये एक झूठ है कि ये कहा जाए कि नहीं, इन पर मुकदमे चल रहे हैं, इनकी छवि अभी नहीं, फैसला नहीं हुआ है। ये उनके अपने इत्मीनान की बात है लेकिन जनता को बात नहीं। और जनता को भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को वोट न करें जो लोगों की छवि ख़राब है। जहाँ पर राजनीतिक नेताओं की जिम्मेदारी पड़ती है, उससे ज़्यादा जिम्मेदारी उन जनता की भी है कि जो उनको चुनकर भेजते हैं। तो दोनों अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकते। राजनीति के अलावा अपनी कुछ पसंद के बारे में हमें बताइए। मुझे साहब अदबी ज़ौक है, कल्चर का शौक है। मैंने 102 मुशायरों की सदारत करी है और गालिब, बोमिन, सौदा, हाली, जिगर, इनको सबको मैंने पढ़ा है। सूर तुलसी, जायसी को पढ़ा है। तो कल्चर और अदब का, मुशायरों का मुझे बड़ा ज़ौक रहा है और उस तरफ हमारा रुझान बहुत है। मैं अक्सर मुशायरों में जाता हूँ, कल्चर प्रोग्राम में जाता हूँ, मेरी सोशल एक्टिविटीज़ इसमें काफ़ी शामिल है। कुछ शायरी अपनी हमें बताइए। अब मैं क्या कुछ शोरा कराम की शायरी कह सकते हैं? आज के बदले हुए माहौल में नौजवानों के लिए ये बहुत बड़ा संदेश है कि राष्ट्रीय एकता को मजबूत करें और रखें। खुमार बाराबंकी ने बड़ी अच्छी शेर कही कि चिरागों के बदले मकान जल रहे हैं, चिरागों के बदले मकान जल रहे हैं, नया है ज़माना, नई रोशनी है। तो इस पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि मकान न जलाकर चिराग जलाएं, ये एक संदेश है। तो इस तरीके से हमको अपने साथ में और मिलजुल कर मुल्क को मजबूत करना होगा। वसीम बरेली हमारे बहुत अच्छे मशहूर शायर रहे हैं, उर्दू प्रोफेशनल काउंसिल के चेयरमैन भी हैं, तो उनका भी एक बड़ा अच्छा मुझे शेर याद आ गया। मैं इस यकीन पर डूबा कि तू बचा लेगा, मैं इस यकीन पर डूबा कि तू बचा लेगा, फिर उसके बाद मेरा इम्तिहान क्या लेगा। और मैं अपने बारे में एक शेर कहता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है कि मेरी ज़िंदगी यही है कि हर एक को फैज़ पहुँचे, मेरी ज़िंदगी यही है
कि हर एक को फैज पहुंचे, मैं चिराग रह गुजर हूं, मुझे शौक से जलाओ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये मेरी ज़िंदगी का तर्ज है और मैं खिदमत करता आऊँगा, और मैंने ईमानदारी को नहीं छोड़ा है, शराफत को नहीं छोड़ा है, यही हमारी धरोहर है, यही मेरी पहचान है। मंत्री बने या न बने, उसका मुझे कोई गिला नहीं। मंत्री तो चार चार बार रहे उत्तर प्रदेश में, केंद्र सरकार में मंत्री नहीं बन पाए। जी ये तो फिर लीडर की बात होती है कि मेरा इस्तेमाल कहाँ करेगा, ये तो उसका फैसला है। संतुष्टि है अब तक के राजनीतिक जीवन से? मैं बहुत संतुष्ट हूँ, और इसलिए कि जब जनता संतुष्ट है तो मैं भी संतुष्ट हूँ। देश की नौजवान पीढ़ी को क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बिगड़े हुए माहौल में जहाँ देश में बुराइयाँ कुरुतियाँ हो रही हैं, वहाँ उसको ईमानदारी से और मिलजुल के काम करना चाहिए। वो उन लीडरों से जो ख़राब लीडर हैं, जो सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए और अपने चरित्र को उत्तम बनाना चाहिए। अगर चरित्र उत्तम है तो मैं समझता हूँ देश भी उत्तम हमारा बन सकता है। और अगर पैसे से कोई बड़ा व्यक्तित्व तो नहीं होता है, बड़े व्यक्तित्व उसे कहते हैं जिसकी शिक्षा बहुत अच्छी हो और जिसका चरित्र बहुत उत्तम हो। तो शिक्षा, अच्छी शिक्षा और मैं समझता हूँ अच्छा चरित्र ही आदमी को बलवान बनाता है, यही उनके लिए पैगाम है। और स्वामी विवेकानंद ऐसे व्यक्तित्व और देश के ऐसे बड़े बड़े नेताओं और बड़े बड़े लीडरों का नाम इसी से उजागर हुआ है। तो वो देश को मजबूत करने के लिए आज बुराइयों कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष करें और ईमानदारी से काम करें, और आईटी का ज़माना है, आईटी टेक्नोलॉजी को आगे ले करके इस देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी नई मोहर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से बातचीत के लिए नकवी साहब। तो ये थे लखीमपुर खीरी से लोकसभा के सदस्य जफर अली नकवी जी, जिनसे हमने तमाम सवालों पर बात की। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक दूरदर्शन की हमारी इस पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।